इन्वेस्टमेंट और लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए डब्ल्यू एम एस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आज हम आपको बताने जा रहे हैं दस शेयर के बदले सौ शेयर जी हाँ कहीं आपके पास एक शेयर है तो एक शेयर के बदले में आपको दस शेयर मिल सकता है वो भी कैसे स्प्लिट होके क्योंकि आय सर मोटर अपने शेयर को स्प्लिट करने जा रही है जो अप्रूवल मिल चुका है अब हम चलते हैं न्यूज़ पे जो न्यूज़ है क्या आयसर मोटर का जो क्वार्टर फोर रिजल्ट आया था बहुत घाटे का सौदा रहा बहुत खराब रहा फिर उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम अपने शेयर को स्प्लिट करेंगे टेन इंस टू वन रेशियो में जी हाँ कहीं आपके पास एक शेयर है तो वो दस शेयर हो जाएगा और बोर्ड मीटिंग में डिसाइड हो चुका वो कैसे डिसाइड हो चुका है देखिए मीनवाइल वाइल आयसर मोटर सेट सेट द बोर्ड हैज़ बी अप्रूव सब डिविजन ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन ऑफ इक्विटी शेयर फेस वैल्यू टेन रुपीज ईच इंटू टेन इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ आर ई वन ईच मतलब कि जो अभी करेंट फेस वैल्यू है दस रुपये जैसे स्प्लिट हो जाएगा उसका फेस वैल्यू हो जाएगा वन रुपीज़ तो अब वो वन रुपीज़ वाली फेस वैल्यू वाली कंपनी हो जाएगी अब हम चलते हैं कंपनी के प्रोफाइल चेक करते हैं कंपनी का ओनर कौन है कंपनी क्या करती है सब कुछ हम चेक करते हैं आएसर मोटर जो करंट टाइम में जो ट्रेड कर रहा है सोलह हज़ार आठ सौ पच्चीस सपोज इस करंट प्राइस पर कहीं स्प्लिट होता है तो आपको एक शेयर पड़ेगा सोलह सौ रुपये के आसपास पड़ेगा तो अभी देखते हैं इसका रिटर्न प्रोफाइल क्या है फाइव ईयर्स में फाइव ईयर्स में ये जो था मैक्सिमम इकतीस मतलब अभी आपको सस्ते वैल्यूएशन भी मिल रहा है और जो प्राइस है 16,825 और कंपनी का ओनर कौन है सीईओ ई हैं सिद्धार्थ लाल जी हैं और फाउंडर हैं विक्रम लाल जी विक्रम लाल जी के बेटे हैं सिद्धार्थ लाल जी और आयसन मोटर जो काम करती है आपने सुना होगा रॉयल इनफील्ड रॉयल इनफील्ड मतलब बुलेट जो पहले बुलेट चलता था अब ये क्या करते हैं वो व्हीकल्स भी बनाने हैं कमर्शियल व्हीकल्स भी बनाने लगे हैं किसके साथ बोलबो के साथ इन्होंने पार्टनरशिप कर लिया बोलबो एक स्वीडन की कंपनी है उनके साथ उनके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर मतलब पार्टनरशिप कर चुके हैं और उनके साथ ये कमर्शियल व्हीकल्स बनाते हैं अब देखते हैं इसका पी रेशियो जो है 22.21% है मार्केट का कैप 4 459.42 बिलियन का है ओपन है जो 1560 पे डिविडेंड 1.1% है 52 वीक लो है जो 12450 है 52 वीक हाई जो है तेईस हज़ार चार सौ पचास रुपये हैं आइसर मोटर का जो प्रमोटिंग प्रमोटिंग होल्डिंग है वो उनचास उनचास पॉइंट टू एट परसेंट है और म्यूचुअल फंड जो प्रमोटिंग होल्डिंग है एट पॉइंट फोर एट परसेंट है डोमेस्टिक है ग्यारह पॉइंट एलेवन परसेंट है फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब एफ आईज का जो होल्डिंग है सत्ताईस पॉइंट सेवन परसेंट है तो आप देख सकते हैं जो कंपनी का फंडामेंटल है बहुत अच्छा है उमदा है मस्त है ज़बरदस्त है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक ज़बरदस्त खासियत ये भी ये डिविडेंड गजब बाढ़ती है अच्छा बाढ़ती है अब हम आपको डिविडेंड हिस्ट्री दिखाते हैं आयसर मोटर का जो डिविडेंड हिस्ट्री है 2019 में एक सौ पर शेयर दिया था 2018 में एक सौ पर शेयर दिया था 2017 में सौ रुपये और 2016 में भी सौ रुपये तो देख सकते हैं डिविडेंड के मामले में भी अच्छा है और अच्छा शेयर साबित हो रखा है सब कुछ मिला के आयसर मोटर अच्छी कंपनी है फंडामेंटल मजबूत है सब कुछ अच्छा है तो आपको कहीं पोजीशन बनाना है तो अभी आप पोजीशन बना के रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए चार से पाँच साल के लिए तो आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकती है और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए धन्यवाद थैंक यू